लाइव दर्शन टुडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कालिका माता मंदिर पावागढ़ के बारे में विस्तार से जानकारी देखने वाले हैं। कालिका माता मंदिर भारत के पंचमहाल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक हिंदू देवी मंदिर परिसर और तीर्थ केंद्र है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर में देवी की 3 प्रतिमाएं हैं। केंद्रीय प्रतिमा कालिका माता की है, दाई ओर काली माता है और बाई ओर बहुचरा माता है। चित्र अष्टमी को मंदिर परिसर में मेला लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह मंदिर पवित्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। रजू मार्ग द्वारा इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कालिका माता का इतिहास बहुत ही अद्भुत है। 10वीं 11वीं शताब्दी का कालिका माता क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। एक बार नवरात्रि के त्यौहार के दौरान मंदिर में गरबा नामक एक पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया था, जहां सैकड़ों भक्त एकत्र हुए और देवी की भक्ति में नृत्य किए। ऐसी निस्वार्थ भक्ति को देखकर देवी महाकाली स्वयं एक स्थानीय महिला का वेश बनाकर भक्तों के बीच आई और उनके साथ नृत्य किया। इस बीच उस राज्य के राजा पतई जय सिंह, जो भक्तों के साथ नृत्य कर रहे थे, उन्होंने उस महिला को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा की वासना से भरकर उनका हाथ पकड़ लिया और अनुचित प्रस्ताव रखा। देवी ने राजा को 3 बार चेतावनी दी कि वह अपना हाथ छोड़ दे और माफी मांग ले। लेकिन राजा वासना से इतना व्याकुल था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस प्रकार देवी ने श्राप दे दिया कि उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। पतई जय सिंह युद्ध में हार गए और महमूद बेगड़ा द्वारा मारे गए। पावागढ़ की कालिका माता की पूजा भील और कोली आदिवासी लोग करते हैं। मंदिर का वर्णन 15वीं सदी के नाटक गंगादास प्रताप विलास नाटकम में किया गया है। 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर परिसर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर तक जाने के लिए सड़क मार्ग से जंगल के बीच से 5 किलोमीटर की दूरी तक बने रास्ते से पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता पतई रावल के महल के खंडहरों में होकर गुजरता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे लाइव दर्शन टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।